मार, इसने मुझे गोली मार दी थी। मैं खाब देख रहा था मां। सत्य देख देख क्या डील हो गया। मां तुम नहीं जानती जेम्स बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या करना। मैं तलवार से क्लब जाता हूँ, वहां वर्जिश करता हूँ। कट जा, कट जा। सत्यानाश रे कट जा, तूने तो मुझे ड्राइव दिया था। ये लोग नहीं समझेंगे, मौका आने दो फिर देखना। कट जा। रंजीत के पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और इसी वजह से सुरेश और कमला की छगाई हुई और आज वही बात पक्की करने के लिए मैं आपके पास आया। उन्होंने सोच समझ कर आपका घर चुना, वो जानते थे कि आप लोग कौन हैं। तो फिर आज ही तय कर लीजिए ना ब्याह की तारीख। ये मैं रंजीत से पूछे बिना नहीं कर सकती, वो कमला का बड़ा भाई है। नमस्ते लाला जी। नमस्ते लाला। क्या करते हो बेटा? पाँव छू रहा था जी। जी तेरा। हेलो सुरेश। रंजीत, लाला जी कमला के ब्याह की तारीख तय करने आए। इसमें तय करना है? जब भी लाला जी चाहे शादी हो सकती है। अगले महीने की 12 तारीख का मुहूर्त निकला है, मेरे ख्याल में अभी से ही शादी की तैयारी हो जानी चाहिए। जरूर लाला जी जरूर। ठीक है ना माँ? हाँ हाँ बेटा, बड़ी धूमधाम से करेंगे बेटी की शादी। अच्छा भाई अब हम चलते हैं। बेटा रंजीत जरा जल्दी में हूँ, 8-10 लाख का हेर फेर है। जी सर। रखो बेटा। अच्छा भैया ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। चोर कहीं की। अगले महीने की 12 तारीख को निकालता हूँ तुम्हें घर से। चल जल्दी नाश्ता बना, मुझे दफ्तर जाना है। अभी लाइए। ऑटोग्राफ प्लीज। जी ऑटोग्राफ? जी हाँ, आप फिल्म आर्टिस्ट हैं ना? माफ कीजिए, मैं कोई फिल्म आर्टिस्ट नहीं हूँ।
फिल्म आर्टिस्ट नहीं, मगर लगती तो आप बिल्कुल हीरोइन की तरह है। क्या मैं हीरोइन बन सकती हूँ? अरे बन सकती, अभी आप तो बनी हुई है। क्या मुझे चांस मिल सकता है? चांस की बात कर रही हैं, मैं कहता हूँ आप इंडस्ट्री में काम करेंगी तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा इंडस्ट्री पर। दिलीप राय देवानंद मेरे जिगरी दोस्त है। अच्छा? हाँ आइए, मैं आपकी दो तीन तस्वीरें खींच डालूँ, फिर देखिए हंगामे होते हैं क्या। आइए, अरे आइए ना, आइए एक अच्छा सपोर्ट। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कहा मंदिर में पहुंच गई? अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो चंद बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या? नंबर वन, साड़ी थोड़ी नीचे बांधना। नंबर टू, ब्लाउज थोड़ा छोटा। नंबर थ्री, कपड़े कम और मेकअप भी ज्यादा। जरा अच्छा सपोर्ट नहीं, ये नहीं, ये नहीं, देखिए प्लीज प्लीज आप यू लगाइए मत। डॉक्टर दर्जी और फोटोग्राफ सब एक तरह के होते हैं, उनसे क्या डरने की बात है? या और ये हाँ, आप बनी बात, आप नाम जानती हैं? थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, सिखा लेंगे अच्छी तरह। स्माइल करे, वेरी गुड वेरी गुड। ओवरनाइट हीरो नहीं बना लिया तो कहना। अब जरा छोटा सा बैक पोज। आप तो मैं थकी बाबा। अजी आप इतने में थक गई हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन कैसे बनेगी? सही है, जल्दी करिए बैक पोज। गुड, दैट्स इट, वेट वेट वेट, थोड़ा 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 थोड़ा, अब भी बात। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कीप इट अप कीप इट अप कीप इट अप कीप इट अप। स्टडी, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखना मेरा कमाल, अगर आपके दरवाजे पर प्रोड्यूसरों की लाइन नहीं लगेगी तो मैं फोटोग्राफी छोड़ दूंगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। खैर तो, मगर मिलेंगे कब? मैं आपको फोटो कब दिखाऊंगा? कल सुबह यही मिलते हैं। ठीक है, कल सुबह पक्का यही। मेरी बस चली जाएगी। खैर तो, अब बस में जाएंगे? हीरोइन बनना है तो टैक्सी में जाना पड़ेगा। टैक्सी समझा, कहाँ जाने का? दादर। मुझे भी वहीं जाना है, आओ साथ में चलते। आइए मिस्टर चालबर्ट। निगाहें नीची किए सर झुकाए बैठे हैं, यही तो हैं जो मेरा दिल चुराए बैठे हैं। ये शेर सुबह तक कितनी लड़कियों को सुना चुके हो? तुम्हें मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं? एतबार तो है लेकिन भरोसा नहीं। मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो सुशीला। मेरा नाम सुशीला नहीं, कोकिला है। वो स्टाफ वाले दफ्तर में काम करती, समझे? ओहो, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। अच्छा ही हुआ, टुकड़े बांटने में आसानी होगी, कितनी लड़कियां फंसेंगी। बड़े जालिम हो। जरा दूर, अब बड़ी गर्मी लग रही। एडिटर साहब आपको याद कर रहे थे। बुड्ढे की बात छोड़िए। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, जल्दी से अंदर आ जाओ। यस सर। क्या खबर लाए हो? सर वो खबर मैं आप किस उल्लू के पट्टे ने तुम्हें रिपोर्टर बनाया है? आप ही ने चांस दिया था सर। What? पहले मेरा पेपर डेली था, जब से तुम रिपोर्टर बने हो बिक्री हो गया है। लेकिन अब मंथली नहीं होने दूंगा सर, इसका मैं आपको यकीन दिलाता हूं। बाय गॉड। अगर आज शाम तक कोई नई खबर नहीं आए तो नौकरी से निकाल दूंगा। ये तो बड़ी पुरानी खबर है सर, दो महीने से सुन रहा हूं। गेट आउट। जाता हूं, शाम तक गर्मा गर्म खबर लाता हूं। आप अपनी प्रिंटिंग मशीन ठीक करवा रखे सर। What? मेरी प्रिंटिंग मशीन बिल्कुल ठीक है, पहले तुम अपना दिमाग ठीक करवा के आओ। जा। वो मैं करवा लूंगा। ओके सर। चोर चोर चोर, पकड़ो चोर, चोर मेरा बैग ले गया है, पकड़ो चोर मेरा बैग ले गया है, पकड़ो इसे। कहां गया? वहां गया है।
पीछा करो। दौड़ रहा है, दौड़ने की प्रैक्टिस मुझे भी है, अभी लाता हूँ पकड़ कर। जाएगा कहाँ? जाता कहाँ है? अरे चोर तो कोई दूसरा है। पकड़े जाने पर सभी ऐसा कहते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे क्या कर रहा? अरे जोरो ना, अरे जोरो ना। लो पकड़ आया। यही था ना? बता दे, बैग कहाँ फेंका? अरे ये क्या कर रहे हो? क्यों? चोर तो कोई और था। तो फिर ये कौन है? ये मेरा शौहर है। तुम्हारा शौहर? और नहीं तो क्या, तुम्हारी वजह से मेरा बैग भी चला गया और चोर भी। सॉरी सॉरी, क्या तुमको किसने बुलाया था बीच में? I'm sorry madam, really sorry. चले हैं बड़े मदद करने वाले, मगर मिला तो सत्य ना सो गया। चलो, बिल्कुल चोरों की तरह भाग रहा था। कोई बड़े एक्सीडेंट का केस मालूम होता है, इसके साथ जाना चाहिए। ठहरो ठहरो ठहरो, अरे मैं रिपोर्टर हूं, ठहरो भाई। ड्राइवर साहब, आप तो हॉस्पिटल जाने वाले थे। जाने वाले नहीं, जाकर वापस आए, ये तो हमारा गैरेज है। जाकर वापस आए, मेरी न्यूज का क्या होगा? 00X कॉलिंग। यस मिस्टर एक्स, शंकर स्पीकिंग। गुड न्यूज। वो क्या? वही चीज जिसके पीछे हम पड़े थे, हमारे कब्जे में आने वाली है। आपका मतलब है इंस्पेक्टर? सारी दुनिया के एजेंट उस स्पेक्टर के पीछे पड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वही स्पेक्टर हमारे कब्जे में आने वाला है। लेकिन ब्लैक टाइगर स्पेक्टर को किसी कीमत पर नहीं देना चाहता था। ब्लैक टाइगर के चाहने या न चाहने से क्या होता है, हमने उसके चीफ एजेंट को अपने साथ मिला लिया है। आज वो ब्यूटी पार्क में स्पेक्टर देने आ रहा है, ठीक 1 बजे। एजेंट ब्लू शर्ट में और सफेद टाई में होगा। और उसका कोड? वो सीटी बजाएगा, जवाब में हमारा एजेंट भी उसी ट्यून में सीटी बजाएगा। और उसके बाद इंस्पेक्टर हमारे एजेंट के हवाले कर देगा? नहीं, वो हमारे एजेंट के साथ तुम्हारे पास आएगा, वो इंस्पेक्टर तुम्हारे हवाले करेगा, किसी चालाक एजेंट को भेजना। यस बॉस, डोंट वरी। ओवर। रीटा? यस बॉस। आज मिस्टर एक्स ने बहुत सीरियस काम सौंपा है। सीरियस काम ही मुझे अच्छे लगते हैं। गुड, इसलिए मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। देखो, 1 बजे ब्यूटी पार्क में तुम चली जाना, वहाँ एक एजेंट आने वाला है, वो ब्लू शर्ट और सफेद टाई में होगा। मुझे क्या करना होगा? तुम उसे गंगाराम बिल्डिंग में पहुँचा देना, वहां राम और श्याम उसे संभाल लेगा। एजेंट का इशारा? वो सीटी बजाएगा, तुम भी उसी धुन में सीटी बजाना, वो तुम्हें पहचान लेगा। ओके,
हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है बॉस? देखो, रीटा उस एजेंट को गंगाराम बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर ले आएगी, तुम लोग वहां से उसे टेक ओवर कर लेना। ओके बॉस। शुक्रिया आपकी इनायत का, मेहरबान शुक्रिया। शुक्रिया आपकी शरारत का, मेहरबान शुक्रिया। शुक्रिया आपकी इनायत का, मेहरबान शुक्रिया। शुक्रिया
चलिए। आप यहाँ अकेली रहती हैं? आपको इतना फिक्र क्यों हो रहा है? जी चाहता है आपकी फिक्र करूँ। ऊपर पहुँचते ही सब फिक्र दूर हो जाएगी। देखा कि आपने? जी चाहता है ये लिफ्ट का सफर कभी खत्म ना हो। और मेरा ये चाहता है आप लिफ्ट ऊपर ले जाएं, दम घुट रहा है। निगाह है कि हटती नहीं। आंखों का इलाज करवाइए। आंखें हाजिर हैं डॉक्टर, कर दीजिए ऑपरेशन। खाने बदतमीजी है, तुम कबाब में हड्डी को बनना चाहते हो? कबाब के बच्चे चुपचाप हमारे साथ चलो। ओ, समझ गया, तुम लोग गैंगस्टर मुझे अपने बॉस के पास ले जाना चाहते। चलिए मुझे भी किसी अच्छी खबर की तलाश थी। खबर तो तुम्हें अभी मालूम हो जाएगी। डरो मत, मैं तो सर खुजा रहा हूँ। मैं आपसे नहीं, इन लोगों से कह रहा हूं। ये क्या बदतमीजी, छोड़ दो इन्हें। जानते थे ये हमारे मेहमान हैं। जाओ। मैं इन गधों की तरफ से आपसे माफी चाहता हूं। गधे ये नहीं, सबसे बड़ा गधा तो वो है जो इन लोगों को अपने साथ रखता है। ठीक कहा ना? तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, तो लाइए वो चीज। कौन सी चीज? वही एक्सपेक्टर। स्पेक्टर ऐसे नहीं मिलेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं चाहता हूं ये खबर अखबार के फ्रंट पेज पे छपे और साथ में फोटो भी। जरा राम और श्याम से कहिए कि फाइट का एक अच्छा सा पोज बना दें। अब राम और श्याम आपको फाइट का पोज बताएंगे। अच्छा, तो फोटो आप लेंगे। डर गए? मैं तो यूं ही फूल दे रहा था। ओ नहीं, यार कराके होना चाहिए। जल्दी करो, तुम लेट हो रहे हो। हाथ निकाल लो, अब तुम्हें धोबी पिछाड़ में जाना है। हैट कहाँ लिए जा रहे हो? अब तुम्हें पिस्तल निकालना चाहिए। अभी मजा चखाता हूँ। मजा बिल्कुल नहीं आया, सबका टाइमिंग गलत था। ये भी लेट। तलाशी लो। बहुत मिस्टर एक्स, ये संभालो। ये एक्स कौन है? हाँ।
यस मिस्टर एक्स, तुम्हारे पास गलत आदमी पहुंच गया है। गलत आदमी पहुंच गया, अब क्या किया जाए? उस आदमी को साफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, फोन आया था कि रंजीत यहाँ है, के लिए आई। बैठिए। हवलदार, रंजीत को ले आओ। आप इनकी माता जी? जी हाँ। आपका लड़का देखने में तो बहुत शरीफ मालूम होता है, पता नहीं हरकत उसने कैसे की। किसी के बहकावे में आ गया होगा। माँ, मिस्टर रंजीत, जानते हो तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारी माता जी को कितना दुख पहुंचा है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो कोई हरकत की ही नहीं, यकीन मानिए उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती पिला दी थी। बस अब चल। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग जा सकते हैं? ठीक है, आप जा सकते हैं। माँ, दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहती। सारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैंने शराब नहीं पी थी माँ, उन लोगों ने जबरदस्ती पिला दी, वो तो मुझे मार डालना चाहते थे। मुझ पर यकीन करो माँ। वो लोग कौन थे? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन लोगों से बदला जरूर लूंगा और ये सर दूंगा कि मैं बेकसूर हूँ, निर्दोष हूँ। ए मेरी जात भी कभा, ए मेरी जात भो कभा, ए मेरी जात भी कभा,
मोड़ने वाले नहीं है हम, बाहू के बदले जान भी जाए नहीं है हम, फरियाद और मजनू के है अब्बा की है कसम, अब्बा की है कसम, हम तो यही पुकारेंगे जब तक है दम न दम। क्या पहचाना मुझे? नहीं। खन्ना, भगवान कसम खूब नाचती हैं आप। क्या नाचा है? अभी हाजिर हुआ। लीजिए। नो थैंक यू। खूब नाचती हैं आप। तुम यहाँ? जी हाँ, पहले लाया गया था, आज खुद आया हूँ। ये तो गुंडों का अड्डा है। कौन गुंडे? लिफ्ट में तुमसे जुड़ा होने के बाद वो लोग मुझे जबरदस्तियाँ ले आए थे, मुझे जान से मार डालना चाहते थे। तुम यहाँ कैसे? मैं, मिस्टर शंकर मेरे अंकल के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे पार्टी में इन्वाइट किया था। तो शंकर, वो देखो यही है वो लोग। भगवान, ये क्या हुआ? हो भगवान, माता जी, खुरा, माता जी, रामू जी, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। जी अच्छा। हेलो, कौन? रंजीत भैया। माता जी, रंजीत भैया का फोन। क्या रंजीत का फोन है? कौन? रंजीत बोल रहा है। हाँ माँ, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। बेटा, ये तूने? खून मैंने नहीं किया। सच बोल रहा है ना? मैं सच बोला हूँ माँ, कुछ दिनों के लिए घर नहीं आऊंगा, मुझे असली खूनी का पता लगाना है। तो पुलिस को खबर कर दे बेटा, वो अपने आप पता लगा लेंगे। पुलिस तो खुद मुझ पर शक कर रही है माँ, वो मुझे ही पकड़ लेंगे। तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे बेटा, इसी में तेरी भलाई है। अच्छा माँ, अब तो मुझे वैसे ही अपने आप को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। हेलो रंजीत, रंजीत, हटो सामने से। रंजीत के लिए आप कमला का रिश्ता क्यों तोड़ रहे हैं? एक खूनी की बहन से मेरे बेटे की शादी नहीं हो सकती। लाला जी, मेरा बेटा बेकसूर है, खून किसी और ने किया है। ये तो उस वक्त पता चला जब अदालत रंजीत को फांसी की सजा देगी। ऐसा न कहिए लाला जी, भगवान के लिए ऐसा न कहिए। ये मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है। लाला जी, मैं आपके पांव पकड़ती हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे पांव क्यों पकड़ती हो? अपने बेटे का गला पकड़ो जिसने सारे खानदान की इज्जत बर्बाद कर दी। भगवान के लिए लाला जी, ऐसा जुर्म न कीजिए, मैं आपके पांव पर सर रखती हूँ। मेरी इज्जत बचा लीजिए, भगवान के लिए मेरी इज्जत बचा। तेरी इज्जत अब कहाँ रही? चल हट, हट। मेरी माँ पर हाथ उठाया है तुमने? मत रखो।
मैं शंकर बोल रहा हूँ। लेटेस्ट रिपोर्ट, वो स्पेक्टर हिंदुस्तान से बाहर भेजा जा रहा है और उसके लिए गैर मुल्की एजेंट्स काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त स्पेक्टर किसके कब्जे में है? नीलाम घर के एक फ्लावर वाज में वो स्पेक्टर छुपा हुआ है। वो फ्लावर वाज मैं खरीद लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। वो वाज खरीदना आसान नहीं, दूसरे एजेंट्स को भी ये राज मालूम हो चुका है। फिक्र मत कीजिए, आज ही रात को वो फ्लावर वाज आपके टेबल पर होगा। शाबाश, ओवर। किसका इंतजार कर रही हो सुरेश? कितनी देर लगा दी तुमने? देर देखो सुरेश, आज मैं परेशान हूँ। भैया पर खून का इल्जाम लग गया है, पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है। सब ठीक हो जाएगा कमला, तुम जरा हिम्मत से काम लो। आओ बैठो। मेरी हिम्मत और मेरा सहारा तो तुम हो सुरेश, लेकिन तुम्हारे पिताजी रंजीत भैया की वजह से उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया। ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, हमारा प्यार अमर है। मैं घर छोड़ दूंगा कमला, लेकिन तुम सच? हाँ बिल्कुल। लेकिन सुरेश, मुझे भैया की फिक्र है। मुझे यकीन है कि ये खून उन्होंने नहीं किया। मुझे भी पूरा यकीन है कि वो बेकसूर है। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। क्या खाओगे? एक चाय तो स्टॉप। अभी लाया। और एक ठंडा कोट सपाट लो, जल्दी हमको ऑप्शन में जाना। इतना क्यों है? बीमारी है क्या? जल्दी जाओ। क्या जमाना आ गया है, लोग खून करते हुए फोटो खिंचवाते हैं। देखो सेठ जी, बड़ी कमाल है, फोटो भी तुम्हारा मालूम है। Please, please.
सत्यानाश कर दिया मैंने। Thank you.
God help me. मौके पर आई हो। क्यों? क्या बात है? वह गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे। तुम तो जानती हो कि मैं बेगुनाह हूँ, खून मैंने नहीं किया। मैं जानती हूँ, लेकिन उन लोगों को तुम पे शुबा हो गया है। अब छिपर गई है। जब तक असली खूनी का पता नहीं लगा लूं, सच पाने के लिए जगह चाहिए। समझ में नहीं आता कहाँ जाऊं। तुम मेरे साथ होटल में चलो, जब तक हालात ठीक नहीं होते वहीं रहो। शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रंजीत सर। रंजीत, क्या झक मारी है तुमने अब तक? गर्मा गर्म खबर का इंतजाम करूं सर। इंतजाम कर रहा हूं? क्या मतलब? मतलब ये कि आप अपनी प्रिंटिंग मशीन ठीक करवा लीजिए। यू इडियट। तुमने अभी तक कमला से मिलना बंद नहीं किया? तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं कहूंगा। पिताजी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, सिर्फ कमला से। ये मुमकिन है? मैं बारात लेकर एक खूनी के तरह नहीं जाऊंगा, समझे? खूनी? मैं आपको यकीन दिलाता हूं पिताजी, खूनी रंजीत भैया नहीं है, उन पर ये झूठा इल्जाम लगाया गया है। तुम्हारे यकीन दिलाने से क्या होता है? सारी दुनिया कह रही है कि रंजीत खूनी है, और फिर ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, मेरे नाम का सवाल है। नाम? नाम तो आज रंजीत भैया का ज्यादा है पिताजी, उनकी तुम्हारे अखबार में फोटो छप रही है। सुरे मिजी पसंद नहीं कर सकता, कान पर सुन लो, कमला की डोखर नहीं आएगी। पिताजी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हें मेरी मर्जी के मुताबिक शादी करनी होगी। तुम्हें देखने के लिए राय साहब आ रहे हैं, बहुत बड़ा खानदान है, करोड़पति पार्टी है, समझे? तैयार रहना।
रीटा, वो चीज फ्लावर वाज में नहीं है, चीनी गुड़िया में है। चीनी गुड़िया को किसी कीमत पर खरीद लेना, ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। अच्छा, चाइनीज स्टॉल, नीलाम घर, दरवाजा तो बंद कर दे। बैदा, कांदा, बटाटा 12 आने, हल्दी, मिर्ची, धनिया 8 आने, कुल टोटल 25 रुपया है। ये तो खर्चा बढ़ गया। डार्लिंग, तुम तो हर वक्त हिसाब ही करते रहते। मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, अब तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। ये सब झूठ है। क्या कहा? ये झूठ है? मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मैंने तो कुछ नहीं कहा डार्लिंग। अब मैंने अपने कानों से सुना, आज तुम्हारा छुट्टी कर देगा। अरे 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 अरे, कहाँ बचता है? आज मेरे हाथ से तू बच के अरे तुम जब भी देखना कांदा बताता, ये क्या इशारा है? अरे मुझे बताओ, मुझे मेरे हाथ बताओ, मुझे बताओ, बताओ है जो मुझे बताओ। क्या अब हम झूठ बोल रहे हो? अरे हम कब बोला झूठ बोला? हमारा बात तो सुन। अब मैंने मेरे कानों से सुना है। क्या सुना? तुम अब झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हमको मैंने यूँ ही कह दिया था। यूँ कह दिया था? पर दिल में रहने दो, पर दिल ना उठाओ, पर दिल में रहने दो, पर दिल ना उठाओ, पर दादो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, पर दिल में रहने दो, पर दादो उठाओ, पर दिल में रहने दो, पर दादो उठाओ, पर दादो उठ गया तो भेद खुल जाए। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। मुन्नू मियाँ। कहो चुन्नू मियाँ। क्या बात, राय साहब ने गाना क्यों बंद कर दिया? कहीं छुट्टी तो नहीं कर गए? आओ बता रहे। राय साहब, राय साहब, राय साहब, राय साहब, पर दाना उठाओ, पर दाने रहने दो, पर दाना उठाओ, पर दाने रहने दो। देखा चुन्नू मियाँ, राय साहब गाना गा रहे हैं। हमारा गाना तो बहुत अच्छा गा रहे हैं, मगर कुछ आवाज बदली हुई मालूम हो रही है। चुन्नू मियाँ, राय साहब बहुत बड़े एक्टर हैं। अरे भाई गाना तो क्या, वो अपने आप को मिनटों में बदल देते हैं। हाँ, मैंने तो अच्छी तरह आज तक उनका चेहरा भी नहीं देखा आपकी दुआ से। आपकी बद्दुआ से मैंने भी नहीं देखा। अरे भाई नजर मिलाने की हिम्मत ही नहीं होती। खुरदार, आज हमें नीलाम घर जाना है। मगर वक्त तो लाला जी को दिया है सरकार। लड़की का सवाल है सरकार। मगर हम तो नीलाम घर जाना है। नीलाम घर बाद में तशरीफ ले जाइएगा, पहले लाला हंसराज जी के घर चलना है। लाला हंसराज, उनके बेटे की बात है? आपने वायदा जो किया है सरकार। तो चलिए पहले उन्हीं से निपट लेते हैं। और आप? अर्ज करता हूँ लाला जी। तस्लीम आत अर्ज करता हूँ। करता हूँ क्यों लाला जी? पहचाना नहीं जी? पहचाना नहीं? नहीं जी, आपकी फोटो देखी थी, फोटो में और आप में बड़ा फर्क। फोटो और हकीकत में बड़ा फर्क होता है। फर्क होता है? होता है। अब पता चल गया जी। आगे चलकर और भी पता चलेगा, फिर पछताओगे, हथेलियां रगड़ोगे। हथेलियां रगड़ोगे? रगड़ोगे जी जी। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, आंखें रखते हुए भी अंधी है। अंधी है? है।
है जी है, बिल्कुल है। आइए आइए आइए, बिराजिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। अरे खड़ा ऊंचा देखे, जल पान मीठा लेकर आ। आपके कितने बच्चे हैं जी? आपकी मेहरबानी से एक लड़का है जी। हम तो आपके घर में पहली बार ही आए हैं, हमारी मेहरबानी कैसे हो सकती है? हो सकती है, सकती है, सकता है। मेरा मतलब था राय साहब, आपकी दुआ से एक लड़का है जी। देखा हमारी दुआ में कितनी ताकत है। कितनी ताकत है? ताकत है। क्या यही आपके साहबजादे हैं? राय साहब ये तो मेरा नौकर है। अरे चल हट। आप दोनों की सूरत बहुत मिलती जुलती है, मैंने समझा आप ही का बेटा है। लीजिए खाइए, खाओ। लाला जी जरा अपने बेटे को तो बुलाइए, देखूं तो सही। देखूं तो सही, सही। पिताजी हम तो पीके चले, अब तो अपनी बला से दुनिया इश्कान के जले। पीके चले हम तो पीके चले। पगार। नमस्ते पिताजी, मैं आ गया हूँ। ये सब क्या है? आप ही ने तो कहा था कि राय साहब आने वाले हैं, स्वागत की तैयारी कीजिए। बहुत अच्छा किया बेटा, नालायक बात की औलाद ऐसी ही होती है। ऐसी ही होती है, होती है। इस काम के ऐसी बात पर फिर हाथ मिलाए। बैठो बैठो। कौन सी रात पीते हो? मैं तो सिर्फ स्कॉच विस्की पीता हूँ। खर्रा क्यों नहीं पीते? खर्रा क्यों पीऊं? मैंने बाप की कमाई है। क्यों पिताजी, पीता रहूं ना? पियो पियो। जुआ खेलते हो? बिल्कुल, दो रुपये पॉइंट रमी। तो फिर रेस भी जाते होगे बखुरदार? अरे रेस की तो ऐसी बात है राय साहब की, अगर एक मीटिंग अटेंड नहीं की ना तो घोड़े घर बुलाने आ जाते हैं। आज तक क्या है, क्या झूठ बोलता हूँ? दादाजी आपका टेलीफोन है। माफ कीजिए राय साहब, मैं अभी हाजिर हुआ। राय साहब ये शादी मैं नहीं करना चाहता, इसीलिए सारा ढूंढ चाहता था। अच्छा क्यों नहीं करना चाहते? बात यह राय साहब, एक जगह मेरी शादी होने वाली थी लेकिन पिताजी ने रिश्ता तोड़ दिया, और मैं चाहता हूँ राय साहब मेरी शादी वहीं। तब तो तुम्हारी शादी वहीं होगी। क्या कर रहे हो बेटा? माफ कीजिएगा राय साहब, जरा टेलीफोन आ गया था, कुछ 7-8 लाख रुपए का हेर फेर था, किसी नौकर को देने थे जी। पिताजी राय साहब मुझसे बहुत खुश हुए, अब आप सारी बात पक्की कर लीजिए। अच्छा राय साहब। बरखरदार बैठो, इतनी जल्दी भी क्या है? वो जरा छमिया भाई कानपुर वाली के यहाँ प्रोग्राम है ना, मैं जरा वहां टाइम पे पहुंचता हूँ। अच्छा पिताजी चलता हूँ, तुम जरा टाइम पे पहुंच जाना। दफा हो जाए यहाँ से, आज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हम तो पी के चले, अब तो अपनी बला से दुनिया जले। आप बड़े खुश नसीब हैं लाला जी, मुझे नहीं मालूम था कि आपका बेटा इतना शरीफ है। राय साहब मुझे और ना जलाइए। मैं क्या जलाऊंगा लाला जी, जलाने वाला तो ऊपर बैठा है। ऊपर बैठा है? बैठा है। राय साहब मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आपके पैर पकड़ो। मेरे पैर क्यों पकड़ते हो? अपने बेटे का गला पकड़ो जिसने आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं आपको नाराज होकर नहीं जाने दूंगा राय साहब, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान से माफी मांगिए लाला जी, भगवान से। भगवान से? से। बोलो सुल्तान की मस्जिद को चार दो, चार दो। बोल पहले चार दो। और शाबाश सरदार जी, सत्य जामा। हाँ अरे चार दो। 500। 500। 500। बोलो ठेक, बोलो। 550। 600। 700।
भाई 800। अरे बड़ी तारीखी बूंदा है, बोलो बाबा बोलो। 1000। बड़ी 1000। बड़ी बोलो बाबा 1000। 1000। 1000। बड़ी कदरदानी कदर जानता है, बोलो नी। 1000। 1500। What nonsense? 1500। 1500। 1500। घबराओ नहीं, मैं हूँ रंजीत। अंकल का फोन आया था, आज नहीं चीनी गुड़िया खरीदनी है। 1500, 1500, 1501, 1502। मुझे नहीं चाहिए जब फूलदान, मैं तो जूं ही जोश में आकर बोल गया। क्या कहा तुमने, बड़ी हमारा जोश ही ठंडा कर दिया। इस गुड़िया की कीमत क्या है सेठ? 250 रुपए। 250। 300। 300। 300। 1000। 1000। 1000। 1000। बोलो सेठ, बोलो नहीं। 5000। मरी कुर्बान जाऊं। 5000। 5001। 5002। 10000। 20000। 20000। 20000 एक, 20000 दो, 20000 तीन। यही कैश पैसा, यही। निकालो पैसा, कल भिजवा दूंगा। अरे क्या करते, चोरी करवा रहे हैं क्या? पकड़ो। तुम लोग ठहरो, मैं भी आता हूं। हेलो हेलो, इस गाड़ी को फॉलो करो। ओके।
तुम्हारी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है। मुझे माफ कर दो बॉस। नहीं, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। जुड़ी तुम
तुम्हारा साथी कहाँ है? कौन साथी? वही जो गुड़िया लेकर भाग गया था। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम, अभी मालूम हो जाएगा। जूही आगे गुड़िया मिलनी चाहिए, ले जाओ। छोड़ो छोड़ो, मुझे क्या है? बताती हूँ। टेलीफोन नंबर बताओ। 53 48 58। रंजीत। कौन रीता? कहाँ हो तुम? वो गुड़िया यहाँ लेकर आ जा। मैं कौन? रीता, रीता। हेलो, गुड़िया लेकर तीन बत्ती पर आ जाओ, वहाँ हमारा आदमी मिल जाएगा। चालाकी मत दिखाना वरना रीता की जान, समझ गए ना? समझ गए। क्या लगता है? आपको क्या लगता है? बातें मत करो, गुड़िया लो। आप रीता को आजाद कर दीजिए, गुड़िया मिल जाएगी। हम वादा करते हैं रीता को आजाद कर दें। हम भी वादा करते हैं कि गुड़िया दे देंगे। क्या रखते हो? धंधे में उधार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस हाथ दे, इस हाथ ले। बकवास बंद कर। ये क्या कर रहे हो पास? ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये लो गुड़िया। इंस्पेक्टर कहाँ है? बात गुड़िया की थी, इंस्पेक्टर की नहीं। अच्छा, तो तुमने हमको धोखा दिया है। जूही, ले जाओ उसे। ओके बास। बड़े दिलवाले हो बास, अपनी जूही मुझे दे दी। ले जाओ, ले जाओ। शुक्रिया, शुक्रिया। चलो आओ। है तुमने गुड़िया का पता नहीं बताया तो तुम दोनों को जान से मार दिया जाएगा। सोचो, देता हूं। रंजीत, अगर इन्हें गुड़िया नहीं मिली तो ये हमें जान से मार डालेंगे। इनकी धमकियों से मत डरो, ये हमें मारेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें गुड़िया चाहिए।
वो गुड़िया तुम्हारे पास है ना? हाँ। कहाँ रखी है तुमने? ये नहीं बताऊंगा। गलत मत समझो, हो सकता है तुम मेरी जान बचाने के लिए ये राज कहीं बता दो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता।
कपड़े सुखा लो।
आगे जा रहे हैं। कोई शत्रु पीछे पड़ा है क्या? हाँ बाबा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये स्त्री पानी में गिरने की वजह से खराब हो गई है। बम भोले गांजा चरस छिया ना तोले। हमने आज पहली मरतबा सुना है कि कोई स्त्री पानी में गिरने से खराब होती है। इनका मतलब है पेंट की स्त्री। कि तुम हमारा मतलब क्यों नहीं समझते? हमारा मतलब है कि ये स्त्री कौन है? कौन? ये तो सिर्फ स्त्री है पापा। पांडू गाली क्यों देता है रंजीत? तेरी पुरानी आदत नहीं गई? अरे गाली कहां देता हूं, मैंने तो पांडू कहा है। समझ गए बच्चा समझ गए। मैं बच्चा नहीं हूं। अरे बावले आजकल तो हम अपने बाप को भी बच्चा कहते हैं, कुछ आदत सी पड़ गई। मगर तुमने ये भेष को बदला है। आहिस्ता बोल आहिस्ता बोल, ये बात पूछने की नहीं है। ये सब पापी पेट के लिए आजकल अपना धंधा चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मगर तुमको यहाँ किसने इंपोर्ट किया? नहीं नहीं एक बात है बाबा। अरे बातों का वक्त नहीं है, हमारे पीछे गुंडे लगे हुए हैं, शहर पहुंचने का रास्ता बताओ। बम भोले गांजा चरस छियाना तोले, शहर पहुंचने का काम इतना आसान नहीं है। हाँ रात को हमारी लॉन्च आ रही है, उसमें हम तुम्हें रफू चक्कर कर देंगे। मगर तब तक तो हमारी छुट्टी कर देंगे। फिक्र क्यों करता है, हमारी कुटिया में चल। अगर वो लोग वहां पहुंचे तो हम उनकी छुट्टी कर देंगे। चल बावले। तुम क्यों रुकी हुई हो बावली? चल आगे बढ़। शाबाश। तुम इसे कुटिया कहते हो? ये तो अच्छा खासा मकान है। थैंक यू। यहाँ तो आगे दुकान और पीछे मकान है। ओ, समझा। पांडू कुछ खाने पीने के लिए है? वो सामने पड़ा है, खा लेना। मैं जरा बाहर पहरेदारी करता हूँ। हरिओम हरिओम। मुझे तो ये 420 मालूम होता है। 420 नहीं 840 है, मगर आदमी काम का है। अपने घर में गुंडे नहीं तो क्या शरीफ आदमी आएंगे? अभी अरे गोली नंबर 5 दे दो। घबराहट में कहीं खा मत लेना, समझा? दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे चरणों में चरणों में। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे चरणों में चरणों में। गुरुजी रिकॉर्ड का नंबर बदल गया मालूम होता है। अबे नहीं, ये अंग्रेजी भजन है, अंग्रेज जाते हुए छोड़ गए। हिलता रे मेरे गीत मेरे संग सहारे, मेरे गीत मेरे संग सहारे, कोई न मेरा संसार में, कोई न मेरा संसार में, दिल के ये टुकड़े, बाजार में मन के ये मोती रखिया तू संभाले, मन के ये मोती रखिया तू संभाले, चरणों में तेरे चरणों में चरणों। संभोले अन्याय अन्याय घोर अन्याय। आए लंबी चौड़ी कन्या, तूने हमारी प्रेम पत्री भंग कर दी।
दुनिया की बात छोड़ो, सीधी तरह बताओ वो लोग कहाँ हैं? वो लोग, वो लोग परलोक से रह गए। तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे बाउली, तू किसकी बात पूछ रही है? बनो मत, हम तुम्हें बाबा से मावा बना देंगे। बम ढोले, अफीम गांजा छियाने तोले, मावा तो दूध से बनता है बाउली, और हम तो जलकर खास हो जाएंगे और पानी पा जाए तो कीचड़ हो जाएंगे। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। तुम अंदर जाकर देखो। अरे 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 अंदर कहाँ जा रहा है बाबू? जो अंदर जाता है वो बाहर नहीं आता। चरणों में पड़ा है साधु, तुम तुझको रखे अल्लाह, तुझको राम रखे। राम राम सीताराम, हजू राम हजू राम, ऊपर राम नीचे राम, बोलो सियापत रामचंद्र की जय, सियापत रामचंद्र की, सियापत की जय, सियापत रामचंद्र की। मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। गोली की क्या जरूरत है लंबी चौड़ी कन्या? तुम चश्मा उतार कर हमें आंख मार दो, हम वही बोलो भाई राम हो जाएंगे बाबू जी। मैं अभी तुम्हारा बोलो राम करती हूँ, पकड़ लो इसे। अभी कोई नंबर चार गोली नंबर 15, नहीं नहीं गलत नंबर बोल दिया मैंने, गलत नंबर बोल दिया मैंने। भाई भोले गांजा चरस सियाना तो अंदर कोई नहीं है। चलो देखो।
वेरी गुड रीता, वेरी गुड। तुमने कमाल कर दिया, रंजीत को मार्कोनी के पंजे से छुड़ा लिया और हमारे जाल में ले। इस तरह देखने से कोई फायदा नहीं बरखुरदार, इसने जो कुछ किया है अपनी पार्टी के लिए किया, जिसकी ये मेंबर है। ले आओ, कम ऑन। बताओ इंस्पेक्टर कहाँ है? नहीं बताऊंगा। वो तो तुम्हारा बाप ही बताएगा। मैं मालूम करती हूँ, आप फिर जाइए। तुम लोग आओ। रंजीत, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी गिरी हुई हो, जलील हो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो रंजीत। अब सही पहचाना है तुम्हें। तुम गद्दार हो, देश को धोखा देकर वो स्पेक्टर दुश्मनों तक पहुंचाना चाहती हो। मैं तो तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मैं तुम्हारी तरह गद्दार नहीं। रंजीत, ऐसा न कहो, ऐसे न करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम उन लोगों के साथ काम कर रही हो जो देश के दुश्मन हैं, मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रंजीत, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी। रंजीत बोल रहा हूँ सर। रंजीत, क्या जग मारी है तुमने अब तक? बड़ी गर्मा गर्म खबर ला रहा हूँ। ये तो मैं हजार बार सुन चुका हूँ। तो एक बार और सुन लीजिए। यो इडियट।
इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते। ला गुड़िया। करने का इंतजाम तो इस गाड़ी में भी है। कहाँ है?
खबरदार। लाओ गुड़िया। हेलीकॉप्टर के आने में भी आधा घंटा बाकी।
हैंड्स अप। ले जाओ इन सबको। ये सब देश के गद्दार हैं इंस्पेक्टर, ये गुड़िया दुश्मन तक पहुंचाना चाहते थे। आप अच्छे मौके पर आए। आया नहीं बल्कि ये सब पहले से प्लान के मुताबिक था, जो आज इनकी वजह से कामयाब हुआ। इनकी वजह से? जी हाँ, ये हमारे खुफिया ब्रांच की आला ऑफिसर है मिस शांति। इन्होंने अपनी ड्यूटी को बड़े शानदार तरीके से अंजाम दिया है। खुफिया ब्रांच की आला ऑफिसर? जी हाँ, अब तो आपकी गलतफहमी दूर हुई। शुक्रिया आपकी इनायत का, मेहरबान शुक्रिया।